हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश लेसन नंबर 7, कसाबा जाधव. ओके, कसाबा जाधव. आज हम लोग कसाबा जाधव के ऑटोबायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, मतलब उनके लाइफ में क्या हुआ हम वो पढ़ेंगे. ठीक है, पहले हम लोग रीड करते हैं, फिर बाद में मैं आपको समझाऊंगी. हैव यू हर्ड अबाउट द ओलंपिक गेम्स? क्या आप लोग ने ओलंपिक गेम्स के बारे में कभी सुना है? स्पोर्ट्समैन फ्रॉम मैनी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड कम टुगेदर फॉर द ओलंपिक गेम्स. स्पोर्ट्समैन मतलब कि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स के लोग होते थे जो अलग अलग कंट्री से आते थे ये ओलंपिक गेम खेलने के लिए. ओलंपिक गेम मतलब अभी देखो आगे हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे, ओलंपिक गेम आपको समझ में आ जाएगी कि क्या है. ठीक है, देखो फिर क्या है. ए नंबर ऑफ इवेंट्स आर हेल्ड देयर आर गेम्स एथलेटिक्स इवेंट्स लाइक हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, जिमनास्टिक इवेंट्स, स्विमिंग एंड डाइविंग कॉम्पिटिशन, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग मैचेस एंड मैनी अदर थिंग्स. ठीक है, ओलंपिक गेम्स में बहुत सारे तरीके के गेम्स होते थे, जैसे कि स्विमिंग होता था, जिमनास्टिक इवेंट्स होते थे, रनिंग होता था, जंप हाई जंप होता था, लॉन्ग जंप होता था. मतलब उनको उसमें अपना कर्तव्य दिखाना था. ठीक है, उनको उनके अंदर क्या कला था स्पोर्ट्स का वो उनको दिखाना था उसमें. ठीक है, फिर क्या है. द विनर्स आर गिवन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स. एंड ओलंपिक मेडल इज़ एन ऑनर. एन ओलंपिक विनर इज़ कंसिडर्ड टू बी ए वर्ल्ड चैम्पियन. अब अगर जो ओलंपिक में जीत गया उसे हम लोग वर्ल्ड चैम्पियन बोलते हैं. ठीक है, और ओलंपिक मेडल गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलता है. जो फर्स्ट आता है उसे गोल्ड, जो सेकंड आता है उसे सिल्वर, और जो थर्ड आता है उसे ब्रॉन्ज मिलता है. और ये उन लोग के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात होती है. ठीक है, आगे क्या है. फ्यू इंडियंस हैव वन ओलंपिक मेडल सो फार. द फर्स्ट पर्सन टू विन ए मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज ए रेसलर फ्रॉम महाराष्ट्र. हिज नेम वॉज कसाबा जाधव. अब इसमें क्या बोला है कि ऐसे बहुत सारे इंडिया ने जो ओलंपिक मेडल जीता है, पर हमारे इंडिया का जो फर्स्ट पर्सन था जिसने मेडल जीता है वो महाराष्ट्र से था. उसका नाम है कसाबा जाधव. ठीक है, उसने ऐसा जीता था हम लोग के इंडिया के तरफ से उसने ओलंपिक का फर्स्ट मेडल जीता था. ओके, देखो आप लोग को कसाबा जाधव की पिक्चर भी इधर दी गई है. ये थे कसाबा जाधव. ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं. वो हमारे इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट में से एक थे. ओके, देखो आगे क्या है. कसाबा जाधव वॉज बॉर्न इन ए वेरी पुअर फैमिली इन विलेज इन ए विलेज कॉल्ड गोलेश्वर इन सतारा डिस्ट्रिक्ट. अब इसमें क्या बोला है, कसाबा जाधव जो था वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे. मतलब वो बॉर्न बहुत ही गरीब फैमिली में हुए थे, एक विलेज में. वो विलेज का नाम है गोलेश्वर और वो सतारा डिस्ट्रिक्ट पे. ठीक है, वो महाराष्ट्र में ही है सतारा. आगे क्या है. बट इट वॉज ए फैमिली दैट लव्ड स्पोर्ट एस्पेशली रेसलिंग. ओके, एस्पेशली रेसलिंग. देखो वो उनकी जो फैमिली थी वो बहुत अपने रेसलिंग को मतलब स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करते थे. ठीक है, कसाबा जाधव की जो फैमिली थी वो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, खासकर की रेसलिंग. ठीक है, हिज फादर दादा साहेब वॉज हिमसेल्फ ए रेसलर. और जो उनके दादा साहेब थे मतलब जो उनके फादर थे वो खुद एक रेसलर थे. रेसलर मतलब क्या होता है, जो कुश्ती लड़ते हैं वो. ओके, ही हैड 5 सन्स. और वो उसके फादर के, कसाबा जाधव के फादर के कितने सन्स थे, 5 थे. मतलब कितने बेटे थे, 5 बेटे थे, 5 बेटे थे. द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज कसाबा. दादा साहेब हिमसेल्फ थॉट हिज सन्स रेसलिंग. दे वर ऑल वेरी गुड एट इट बट द बेस्ट अमॉन्ग देम वॉज कसाबा. अब उनके
फादर ने क्या सोचा कि हम लोग ये अभी देखो कशाबा जादव जो थे वो सबसे अपने भाइयों में से छोटे थे, सबसे छोटे थे वो, और दादा साहब ने सोचा था कि मैं अपने बच्चों को भी रेसलिंग सिखाऊंगा, उन लोग को भी रेसलिंग सिखाऊंगा ताकि उन लोग भी रेसलिंग कर सके। और उनके पांचों बच्चे रेसलिंग में बहुत अच्छे थे, पर सबसे अच्छा कशाबा जादव था रेसलिंग में, कुश्ती में सबसे ज़्यादा अच्छा कशाबा जादव था। ओके, फिर क्या है, फ्रॉम एन अर्ली एज कशाबा लव टू वॉच रेसलिंग बॉक्स। अब इसमें क्या बोला कि कशाबा बहुत छोटे एज में थे जब कशाबा जादव छोटे से तभी से उनको रेसलिंग का मैच देखने में बहुत मज़ा आता था। ठीक है, हिज फादर टुक हिम टू सी द बाउट्स फ्रॉम द टाइम ही वॉज जस्ट 4 years old। और उनके पापा जो थे कशाबा जादव के, वो उन्हें रोज़ रेसलिंग के लिए, मतलब रेसलिंग देखने के लिए लेके जाते थे। ठीक है, टाइम टू टाइम लेके जाते थे उनको, कशाबा जादव को। ओके, और वो सिर्फ 4 years के थे। ही वुड सिट ऑन हिज फादर शोल्डर एंड वॉच द बाउट्स। अब इसमें क्या बोला है कि वो अपने कशाबा जादव जब 4 years old के थे तब वो अपने पापा के कंधे पे बैठकर वो सारा मैच देखते थे। ठीक है, तब उस समय टीवी वीवी नहीं रहता था। एट 10 ही वॉज द यंगेस्ट टू गेट इन टू द अखाड़ा। और जब वो 10 साल के हुए तो वो सबसे यंगेस्ट थे, मतलब सबसे छोटे थे, सबसे छोटा इंसान था जो पहली बार अखाड़ा में लड़ने गया था। ठीक है, 10 years old के ही थे जब वो अखाड़ा में लड़ने गए थे। ओके, सून इट बिकम क्लियर दैट ही वॉज ऑल्सो द बेस्ट नॉट ओनली इन हिज ओन अखाड़ा बट इन द होल एरिया। अब इसमें बोला कि वो जल्दी पता चल गया कि वो सिर्फ अपने ही अखाड़ा में नहीं थे कि जो बहुत अच्छे थे, वो पूरे अपने एरिया में सबसे अच्छे रेसलर थे। ठीक है, आगे क्या है, कशाबा लव्ड अदर स्पोर्ट्स टू। कशाबा को अदर स्पोर्ट्स भी, मतलब दूसरे स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छे लगते थे। स्पोर्ट्स में बहुत कुछ आता है, रनिंग आता है, कबड्डी आता है और स्विमिंग आता है, बहुत कुछ आता है स्पोर्ट्स में। ओके, ही वॉज फॉन्ड ऑफ कबड्डी, मुलखम, रनिंग, स्विमिंग एंड जिमनास्टिक, ही टुक पार्ट इन ऑल ऑफ दिस। अब ये कबड्डी, मुलखम और रनिंग, स्विमिंग और जिमनास्टिक, ये सब में कशाबा जादव ने पार्ट लिया। ठीक है, खेलने के लिए ओलंपिक्स में। ही बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड एग्ली। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग और एजली हो गया, मतलब कि क्या हुआ कि वो स्ट्रॉन्ग भी हो गए, और मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर और चुस्त भी हो गए। ठीक है, फिर आगे क्या, ही लव टू डिस्कस स्पोर्ट्स विथ हिज फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्पोर्ट डिस्कस करने में उनको अच्छा लगता था। ठीक है, मतलब स्पोर्ट्स के बारे में बताने के लिए उनको अच्छा लगता था। देखो, ये कशाबा जादव है, ये जो पिक्चर दी है, ये कशाबा जादव है, ये भी कशाबा जादव ही है। ठीक है, हमारा ये लेसन का फर्स्ट पेज कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम इतने में ही रोक देंगे। ठीक है, थैंक यू।